सो फाइनली प्रीमियम बर्ड्स का मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ यहाँ पे बजट ब्रैकेट वाले बर्ड्स के साथ। यहाँ पे हैं नंबर के जो सुपर बर्ड्स प्रो JT9 के साथ मैं लेके आया हूँ बोट के जेनेसिस का। इसका मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। काफ़ी प्रीमियम बर्ड्स आते हैं, इस तरीके से मिलते हैं और इसमें एक फीचर मिल जाता है जो है आपका ईयर डिटेक्शन का। जब आप कान में पहनते हो तो ये ऑटोमेटिकली प्ले करना स्टार्ट करते हैं सॉन्ग को, जैसे ही कान से निकालते हो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाते हैं सॉन्ग। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन मिलता है आपका इसका। 55 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है इसमें, 48 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है ओवरऑल। ये यूनिक डिज़ाइन में मिलते हैं वैसे, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे नंबर के सुपर बर्ड्स प्रो JT9 एक कह सकते हो हेलमेट केस डिज़ाइन में मिलते हैं, तो काफ़ी यूनिक है। अगर आप मैक्सिमम बर्ड से बोर हो चुके हो तो नया डिज़ाइन चाहते हो तो ये काफ़ी बेटर रह सकते हैं। और गाइस बोट के जेनेसिस ये तो मतलब एक प्रीमियम सेगमेंट के टाइप के लगते हैं। वैसे 1799 प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुए थे, अब मे बी इसका प्राइस बढ़ गया होगा। और ये भी आपको 899 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुए थे, बट अभी जो इसका प्राइस है 1100 करीब चल रहा होगा। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल लुक एंड फील दोनों का ही अलग है थोड़ा सा, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं की साइड। बट गाइस बैट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, कहीं भी मत जाना। और इस तरीके की अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ और कंपैरिजन आप सभी के लिए आते रहते हैं हमारे चैनल पे। और बहुत जल्दी गिव अवे प्लान करने वाला हूँ मैं, तो स्टिक रहेगा चैनल पे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे, इसको ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत अच्छी अच्छी डील लूट प्राइस लिंक आपको वहाँ पे मिलती रहती है। यहाँ पे टेलीग्राम का यहाँ पे कौन सा हाँ हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है टेकपोक, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो गैस चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा कह सकते हो मैट फिनिश में आते हैं और ये भी आपके मैट, ये मैट नहीं लग रहा है, दोनों यहाँ पे कौन सा फिनिश लग रहा है, ये पॉलीकार्बोनेट है क्या टाइप का। और यहाँ पे पीछे की साइड कुछ नंबरिंग मिल जाती है यहाँ पे, मतलब जो लिखा हुआ है बेसिकली। यहाँ पे आपका टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, इसमें भी आपका टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और गैस ये थोड़ा सा आगे की साइड ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे क्लीन है एकदम। और इसकी बात में करूँ तो यहाँ पे एक गेमिंग का सा फील आता है। यहाँ पे इसको बंद करते तो यहाँ पे ये देख सकते हो, इसमें कोई भी गेमिंग वाला नहीं है वैसे भी, बट लो लेटेंसी इसमें भी दी गई है। और यहाँ पे इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रीसेट बटन मिलता है, यहाँ पे रीसेट बटन नहीं मिलता कहीं भी, तो ये है थोड़ा सा। और दोनों ही आपका साइड बाय साइड आप देख सकते हो इस तरीके से देखने में लगते हैं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। बट अगेन गाइस थोड़ा सा प्रीमियम लेस आपको चाहिए तो बोट के काफ़ी बेटर है जेनेसिस। और नंबर के सुपर बर्ड्स प्रो JT9 भी अच्छे हैं वैसे इन टर्म्स ऑफ गेमिंग टाइप के। और ये गाइस आपको थोड़े से एप्पल एयरपॉड टाइप के मिलते हैं और ये आपको इन ईयर टाइप्स के मिलते हैं, ये वाले मैं आपको बता दूँ, ये इन ईयर टाइप्स के मिलते हैं आपको, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब इसमें साउंड लीकिंग नहीं होती, इसमें थोड़ी सी साउंड लीकिंग होती है इन वाले बर्ड्स में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो ड्राइवर साइज़ है वो भी दोनों का ही आपको लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी इसमें आपको, वैसे इससे कंपेयर में। मैं आपको अभी साइड बाय साइड सुना दूंगा यहाँ पे साउंड क्वालिटी और कॉल क्वालिटी दोनों की। तो गाइस यहाँ पे केस की क्वालिटी मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, यहाँ पे थोड़ी सी ये ज़्यादा बेटर है। ये थोड़ा सा आपका केस की क्वालिटी में क्या है कि मतलब क्वालिटी तो अच्छी है बट एक बार गिरने से क्रैक हो जाएगा, ये गिरने से क्रैक नहीं होगा, डेंट फेंट आएंगे बट ये जो है क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है तो थोड़ा सा इसका मतलब उतना ज़्यादा मतलब ये इम्पैक्ट को सह नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं गिरा के टेस्ट करूँगा, ऐसा सच नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की मेन, तो उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे दोनों के बर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर के जो बर्ड्स हैं और या इसके बर्ड्स हैं बोट के जेनेसिस, तो नंबर के बर्ड्स इस तरीके से देखने में लगते हैं, गेमिंग लुक है पूरा का पूरा एस्थेटिकली। और यहाँ पे मेटल का मैश मिलता है। और बोट के जो जेनेसिस हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम है और यहाँ पे आपको इस तरीके से बोट की ब्रांडिंग मिलती है, टच कंट्रोल मिलता है, इसमें भी टच कंट्रोल मिलता है। और ये आपको इस तरीके से मिल जाता है इधर की साइड से देख सकते हो, यहाँ पे मेटल का मैश मिलता है, हार्ड मेटल मैश, तो इस तरीके से मिल जाता है। और क्वाड कोर क्वाड ENC सपोर्ट मिलता है इसमें। और इसमें आपका इसमें एक ही माइक मिलता है बेसिकली, दो माइक नहीं है बेसिकली इसमें, एक लाइट है और एक माइक है, ठीक है। इसमें क्वाड माइक मिलते हैं तो कॉल क्वालिटी इसकी बेटर रहेगी स्लाइटली इससे, ठीक है। और गाइस ओवरऑल तो मेरे ख्याल से दोनों ही मतलब साइज़ में बराबर ही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं दोनों की साउंड क्वालिटी सुन के देखते हैं किस में बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है आपको, ठीक है, या 1800 रुपये के वाले प्राइस ब्रैकेट में या इवन उससे हाफ वाले प्राइस ब्रैकेट में। सो गाइस यहाँ पे आप सुनो नंबर के सुपर बर्ड्स की साउंड क्वालिटी पहले। अब गाइस इसकी सुनो बोट के जेनेसिस, नंबर बोट क
कह सकता हूँ यहाँ पे साउंड क्वालिटी मेरे को इसकी बेटर लगी, मतलब नंबर के सुपरबर्ड्स प्रोजेटी नहन की, आई डोंट नो यहाँ पे इवन ये महंगे उसके बावजूद भी यहाँ पे साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। और दूसरा यहाँ पे मतलब जो बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हार्श मिलता है, मतलब कानों को थोड़ा सा फुल साउंड में चुभता है, बट इसका जो बेस है वो चुभता नहीं है, मतलब बोट का थोड़ा सा सिग्नेचर साउंड भी और ओवरऑल जो बेस है वो मतलब प्लेजेंट लगता है कानों को, ठीक है, बट ये थोड़ा सा हार्श लगता है। बट अगेन गाइज जो साउंड क्वालिटी है मेरे को इसकी बेटर लगी, बेस मिलता है ना वो इसमें थंपिंग मिलता है, इसमें उतना थंपिंग नहीं मिलता, ठीक है। अब एक काम करते हैं क्वालिटी चेक कर लेते हैं दोनों ही बर्ड्स की, किसकी बेटर है किसकी नहीं बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साउंड क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोट की एयर लूप्स जेनेसिस हैं बेसिकली, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी इस तरीके से होती है, ड्यूअल ईएनसी माइक का सपोर्ट मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्लोज इन्वायरमेंट में सपोज आप रूम में बात बात कर रहे हो इससे तो प्रॉपरली सामने वाले को सुनाई देने वाला है, बट अगर नॉइज इन्वायरमेंट में आप बात करते हो तो यहाँ पे अबव एवरेज मिल जाएगी आपको साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी बेसिकली, तो ठीक परफॉर्म करते हैं बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको इस तरीके का कॉल क्वालिटी मिल जाता है यहाँ पे बोट के एयरडोब्स के जेनेसिस की कॉल क्वालिटी, तो कंक्लूजन पे यहाँ पे ये निकल के आता है कि कॉल क्वालिटी काफ़ी बेटर है बोट के जेनेसिस की, नो डाउट यहाँ पे क्लियर विनर है कॉल क्वालिटी में यहाँ पे, मतलब क्वाड कोर ईएनसी जो माइक है ना, क्वाड ईएनसी माइक बेसिकली ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें कॉल क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अगर मैं इससे डायरेक्टली कंपेयर करूँ, इसमें अगर 10 में से 6 दूंगा तो इसमें से 10 में से मैं 8.5 दूंगा कॉल क्वालिटी में, ठीक है। तो ये कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी लेके आते हैं। साउंड क्वालिटी में बात मैं करूँ तो यहाँ पे ये विनर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो थंपिंग मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, थोड़ा सा हार्श मिलता है बट थंपिंग है, बट इसमें थोड़ा सा क्योंकि मेरे ख्याल से हो सकता है कि इसमें जो इन ईयर टाइप के डिज़ाइन है वो नहीं मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो बेस है वो प्रॉपर तरीके से कानों तक नहीं पहुँचता है, तो ये हो सकता है। बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी में अगर मैं इसको 10 में से 8 दूंगा तो इसको 10 में से 7 दूंगा, ठीक है। और कॉल क्वालिटी में ये टॉप परफॉर्म करते हैं, टॉप के मतलब ड्यूअल ईएनसी माइक मिलता है, इसमें आपको सिंगल ही माइक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे विनर कौन से हैं, फुल साउंड में कौन से डिस्टॉर्ट करते हैं, ये डिस्टॉर्ट नहीं करते बिल्कुल भी बोट के, क्योंकि इसकी साउंड सिग्नेचर थोड़ा सा कम है बेसिकली इससे लाउडनेस, और ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर जाते हैं फुल साउंड में, एकदम फुल करते हो तो इतना कोई फुल में सुनता भी नहीं है वैसे भी। वोकल दोनों में क्लियर मिलते हैं बट बोट के वोकल जो है बहुत ही टॉप के मिलते हैं इससे कंपेयर में, ठीक है। और ओवरऑल साउंड क्वालिटी में अगर मैं बात करूं, अगर आपको ओवरऑल साउंड क्वालिटी बेटर चाहिए तो बोट के बेटर रहेंगे, बट अगेन आपको बेस जो तगड़ा चाहिए तो यहाँ पे नंबर के सुपरबर्ड प्रो G9 आपके लिए बेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से मिल जाता है आपको विनर, यहाँ पे मैं चूज़ करना चाहूँगा बोट को ओवरऑल, क्योंकि ये ओवरऑल साउंड क्वालिटी कॉल क्वालिटी को बेटर लेके आते हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे डिफरेंस भी तो है 1000 रुपये का, तो ये भी आपको देखना है, अगर आपका बजट कम है तो 1100 रुपये में नंबर के सुपरबर्ड्स प्रो G9 काफ़ी अच्छे रह जाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।